आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम है गरिमा और मेरे साथ हम डिस्कस करेंगे एंटोमोलॉजी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। हम बहुत प्रिसाइज लेकिन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे एंटोमोलॉजी का, और वैसे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आपके एग्जाम्स में आने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग इट इज़ एन इकोसिस्टम अप्रोच टू क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन दैट कंबाइंस डिफरेंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज एंड प्रैक्टिसेस टू ग्रो हेल्दी क्रॉप एंड मिनिमाइज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। IPM जो है वो सम टोटल है पेस्ट मैनेजमेंट की सारी प्रैक्टिसेस का, यानी बीट फिजिकल, बीट मैकेनिकल, बीट कल्चरल, बीट बायोलॉजिकल, बीट केमिकल, सारे जितने भी टैक्टिक्स हैं उनका सम टोटल, ताकि जो केमिकल यूज है पेस्ट मैनेजमेंट का उसको मिनिमाइज किया जा सके, क्योंकि वो काफ़ी हैजार्डस होता जा रहा है डे बाय डे। IPM के बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं जिसमें फर्स्ट है कल्चरल। इसमें कल्चरल में सबसे पहले आता है, कल्चरल मेथड में सबसे पहले आता है क्रॉप रोटेशन। मीन्स कि जब एक पर्टिकुलर क्रॉप लगाने के बाद हम उसी फील्ड में दूसरी क्रॉप लगाएंगे जो कि नॉन होस्ट होगा उस पेस्ट का। फिर डिप्लॉइंग, जिससे जो सॉइल डवेलिंग इंसेक्ट है या फिर वीड है, पैथोजन है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दे विल बी एक्सपोज टू द सनलाइट एंड दे विल गेट डिस्ट्रॉयड। क्लीन कल्टिवेशन यानी फील्ड को सैनिटाइज किया जा सके, प्लांट डेब्री को डिस्ट्रॉय किया जाए जिसमें वो सर्वाइव करता है। ट्रैप क्रॉप को यूज करते हैं। ट्रैप क्रॉप को हम मेन क्रॉप के सराउंडिंग्स में लगाते हैं, और वो जो ट्रैप क्रॉप जो है जो वो पेस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब पेस्ट जो है वो ट्रैप क्रॉप की तरफ अट्रैक्ट हो गया और उसने मेन क्रॉप को इन्फेस्ट नहीं किया, तब हम ट्रैप क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। एग्जाम्पल, जब हम कॉटन क्रॉप में ओकरा की सोइंग करते हैं तो वो बॉलवॉर्म्स के लिए ट्रैप क्रॉप का काम करता है। या फिर सोयाबीन में कैस्टर लगाते हैं तो वो स्पोडोप्टेरा के लिए ट्रैप क्रॉप का काम करता है। या मस्टर्ड जो है वो कैबेज की क्रॉप्स में DBM यानी डायमंड ब्लैक मॉथ के लिए ट्रैप क्रॉप का काम करता है। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में कि DBM के लिए ट्रैप क्रॉप कौन सा है, तो मस्टर्ड, स्पोडोप्टेरा के लिए कौन सा है तो कैस्टर, और बॉलवॉर्म के लिए कौन सा है तो ओकरा। अब प्रूनिंग एंड थिनिंग, इंसेक्ट का जो पार्ट, प्लांट पार्ट जो इन्फेस्टेड बाय इंसेक्ट्स है उसको प्रून कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, और प्रूनिंग और थिनिंग से बस इंसेक्ट मैनेज नहीं होता है बल्कि प्लांट का विगर भी इंक्रीज होता है। और इसके अलावा हम रेसिस्टेंट प्लांट वेराइटीज भी लगा सकते हैं, जैसे राइस में COR1, ये वेराइटी जो है वो BPH एंड गॉल मिर्च रेसिस्टेंट है। सुरक्षा वेराइटी इज रेसिस्टेंट टू गॉल मिर्च। ये फर्स्ट कॉम्पोनेंट था IPM का। सेकेंड कॉम्पोनेंट है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल में जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं, कॉम्पोनेंट्स के जितने एग्जाम्पल्स हैं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि यूज ऑफ ट्रैप क्रॉप ये IPM के किस कॉम्पोनेंट में आता है, तो उसका आंसर होगा कल्चरल। इसलिए सारे कॉम्पोनेंट्स को अच्छे से मेमोराइज करना है। हैंड पिकिंग, मैकेनिकल में सबसे पहले आता है हैंड पिकिंग। तो जितने भी जो भी हम विजुअल स्क्रीनिंग करके जितने भी कैटरपिलर्स हैं उनको हैंड से पिक करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो भी लार्ज साइज्ड इंसेक्ट हैं जैसे कैटरपिलर, बग्स, बीटल्स, या फिर सेकंड है उसका एग्जांपल शेकिंग एंड बीटिंग ऑफ ब्रांचेस, या फिर हम या तो हम हाथ से या फिर मैकेनिकली ये किया जाता है ताकि जो लावा है वो लावे वो गिर जाए एग्स ऑफ इंसेक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स, शेक करके उस लार्वा या एग्स को गिराना। बैंडिंग,
जैसे मैंगो मेरी बग के केस में बैंडिंग कर देंगे तो ये पेस्ट को क्लाइम करने से रोकेगा। वायर गॉड स्क्रीनिंग ये फ्रूट बॉर्डर से बचाने के लिए किया जाता है। ट्रेंच डिगिंग ये लोकस्ट और लार्वा ऑफ रेड हेयरी कैटरपिलर से बचाने के लिए किया जाता है। ट्रेंच डिगिंग हम करते हैं। ट्रैपिंग बहुत सारा ट्रैप्स यूज करते हैं, जैसे लाइट ट्रैप, बेट ट्रैप, स्टिकी ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, साउंड ट्रैप्स। फ्लडिंग या फिर ड्रेनिंग, तो जो स्वाइन ड्रेनिंग इंसेक्ट है उनको फ्लडिंग या ड्रेनिंग करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। थर्ड कॉम्पोनेंट है फिजिकल मेथड। ये इन्वॉल्व करता है मैनिपुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड यूज ऑफ रेडिएशंस। फिजिकल मेथड में हम यूज करते हैं फ्लेम थ्रोअर्स अगेंस्ट ग्रास हॉपर्स, या फिर ग्रेन को ड्राई करते हैं मिनिमम मॉइस्चर लेवल, जिससे कि स्टोरेज पेस्ट इन्फेस्टेशन को रोका जा सके। जैसे कि सीरियल्स को अगर हम 12% से कम मॉइस्चर में स्टोर करके रखेंगे तो वो सेफ रहेगा, और ऑयल सीड्स को का जो मॉइस्चर लेवल है वो एटलीस्ट 8% होना चाहिए फॉर सेफ स्टोरेज। फिर फोर्थ कॉम्पोनेंट है लीगल कंट्रोल। इसमें हम बहुत सारा क्वारंटीन मेजर्स यूज करेंगे एट वेरियस फ्रंटियर एरिया ऑफ द कंट्री। जैसे डोमेस्टिक क्वारंटाइन वो यूज होता है फॉर सम इंसेक्ट पेस्ट, और इंटरनेशनल क्वारंटाइन भी यूज होता है। इसके लिए दो एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया था इन द कंट्री फॉर लीगल एस्पेक्ट ऑफ पेस्ट कंट्रोल। फर्स्ट है DIPA, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, ये आया था 1940 में, और DPPQS, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, जो कि फरीदाबाद में है हरियाणा में, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। DPPQS का ईयर पूछ देते हैं कभी, और DIPA का भी ईयर पूछ देते हैं। DIPA वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1914, वेयर एज DPPQS जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था 1946 में। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम यूटिलाइज करते हैं पैरासिटॉइड, प्रीडेटर और पैथोजन फॉर द रेगुलेशन ऑफ होस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो टर्म है इट वॉज गिवन बाई एच एस स्मिथ। अब सबसे पहले हम देखते हैं पैरासिटॉइड। पैरासिटॉइड जो है ये एक तरह का पैरासाइट ही है जो कि अपने होस्ट की साइज का होता है, लेकिन अनलाइक पैरासाइट ये अपने होस्ट को किल कर देता है, और इसमें दे नीड ओनली वन होस्ट फॉर डेवलपिंग इनटू अ फ्री लिविंग एडल्ट। अब पैरासिटॉइड का क्लासिफिकेशन है, एक पैरासिटॉइड में सबसे कॉमन है ट्राइकोग्रामा स्पीशीज। लार्वल पैरासिटॉइड का एग्जाम्पल है कैंपोलिटस क्लोरिडे, कोटेसिया स्पीशीज, ब्रैकन हिबिटर एटसेट्रा। जो पैरासिटॉइड्स हैं वो मेनली हाइमेनोप्टेरा फैमिली ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर जो है जिससे सबसे ज़्यादा पैरासिटॉइड्स बिलोंग करते हैं वो है डिप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा की कुछ फैमिलीज हैं जैसे चासीडोइडिया, इक्नोमोनीडिया या ब्रैकोनिडे, ये सारी फैमिलीज में मेजरली पैरासिटॉइड्स ही होते हैं, और डिप्टेरा में जैसे टैक्नोट्राइट्स। सेकेंड एस्पेक्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल का इस प्रेडेटर। प्रेडेटर जो है वो फ्री लिविंग होता है, वो पैरासिटॉइड की तरह पैरासाइट नहीं होता, वो फ्री लिविंग होता है थ्रू आउट द लाइफ, और ये अपने होस्ट से बड़ा होता है इन साइज, एंड दे किल देयर प्रे, और उनका एक होस्ट से काम नहीं चलता, दे नीड मोर देन वन प्रे फॉर डेवलपिंग इनटू अ फ्री लिविंग एडल्ट। प्रेडेटर में आते हैं हमारे कोलियोप्टेरन बीटल्स जैसे मेरी बर्ड बीटल, कॉक्सिनेला सेप्टम्बंगटाटा, और इसकी एग्जाम्पल है लेसविंग, क्राइसोपरला कार्निया जो कि एक न्यूरोप्टेरा है, और सर्फिट फ्लाइज एटसेट्रा। क्लासिकल कंट्रोल का डेफिनेशन है द सर्चिंग इम्पोर्टिंग कॉलोनाइजिंग एंड डिस्पर्सल ऑफ अ नेचुरल एनिमी इनटू एन एरिया जहाँ पे वो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं।
एक ऐसे एरिया में नेचुरल एनिमी या फिर जैसे कि पैरासिटॉइड हो गया या फिर प्रेडेटर हो गया, उसको इंपोर्ट करके लाना, उसको कॉलोनाइज करना और उसको डिस्पर्स करना ऐसे एरिया में जहाँ पे वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था. और ऐसा हम करते क्यों है? टू सप्रेस द पेस्ट पॉपुलेशन. एंड दिस होल फिनोमेना इज नोन एज क्लासिकल कंट्रोल. अब जो आखिरी एस्पेक्ट है वो है माइक्रोबियल कंट्रोल. बायोलॉजिकल कंट्रोल का आखिरी एस्पेक्ट है माइक्रोबियल कंट्रोल. दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय स्टेनहॉर्स इन 1949. माइक्रोबियल कंट्रोल टर्म वाज कॉइन्ड बाय स्टेनहॉर्स इन 1949. इसमें पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, रिकेट्सिया एंड निमेटोड्स. और उनके बाई प्रोडक्ट को हम कहते हैं माइक्रोबियल कंट्रोल. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी जो है वो है एगस्टिनो बैसी. ये आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको मेमोराइज करिए. फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी एगस्टिनो बैसी. अब हम लास्ट एस्पेक्ट देखते हैं आईपीएम का, वो है जेनेटिक कंट्रोल. इसमें स्टेराइल इंसेक्ट कंट्रोल होता है और स्टेराइल इंसेक्ट रिलीज मेथड, मतलब इसमें इंसेक्ट्स को हम सब्जेक्ट करते हैं वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन से, गामा रेडिएशन या फिर कोई भी रेडिएशन जो इंसेक्ट्स को स्टेराइल कर देता है, फिर हम उसको रिलीज कर देते हैं. इस तरह वो प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा. अब लास्ट है केमिकल कंट्रोल, जो कि कन्वेंशनल मेथड है जिसमें हम इंसेक्टिसाइड्स को यूज करते हैं. इसमें वेरियस कैटेगरीज है, जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन जिसमें आता है डीडीटी, डीडीटी का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ये फर्स्ट कमर्शियल ऑर्गेनोक्लोरीन है जिसके इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया गया था बाई पॉल मूलर इन 1939, और सबसे पहले एग्रीकल्चर में यूज हुआ है 1941 में. लेकिन इसमें रेसिडुअल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लॉन्ग रेसिडुअल इफेक्ट्स होता है, इसलिए ये बैन हो चुका है और इंडिया में 1989 में बैन हो चुका है. ऑर्गेनोक्लोरीन्स में आते हैं BHC, जिसका प्योर नेम है हेक्साक्लोरोहेक्सेन, इंडोसल्फान जिसका ट्रेड नेम है थायरोडॉन, डाइकोफोल जिसको कहते हैं केल्थेन. ये एक कैरिसाइड भी है. डाइकोफोल जो है वो माइट्स के मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है. ऑर्गेनोक्लोरीन के अलावा ऑर्गेनोफॉस्फेट भी है. तो इसके जो ट्रेड नेम्स हैं वो आप मेमोराइज कर लीजिएगा. डाइक्लोरो, जैसे डाइक्लोरोफॉस या DDVP को वैपन कहते हैं, मोनोक्रोटोफॉस को नोवाक्रॉन कहते हैं, मेलाथियॉन को साइथियॉन कहते हैं, डाइमिथियोएट को रोगोर कहते हैं, मिथाइल पैराथियॉन को मेटासिट कहते हैं, क्लोरोपाइरीफॉस को डरमेट कहते हैं, क्विनोलफॉस को इकालक्स कहते हैं, एसिफेट को एसिटाफ कहते हैं, फोलेट को थाइमेट कहते हैं. ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट और अब आता है कार्बामेट. कार्बामेट में जैसे कार्बोरिल, उसका ट्रेड नेम है 7, कार्बोफ्यूरॉन का है ट्रेड नेम फ्यूराडॉन, एल्डिकार्ब का है टेमिक, मिथोमाइल का है लैनेट, एप्रोकार्ब का है बेगॉन. अब कुछ इंसेक्टिसाइड जो प्लांट ओरिजिन के हैं, जैसे कि रोटेनॉन, ये है, ये डिराइव किया गया रूट्स ऑफ डेरिस एलेप्टिका से या फिर लॉन्कोकॉर्पस से. पायरेथ्रम, ये क्रिसैंथेमम सिनेरेरी फोलियम के फ्लावर से डिराइव किया गया है. एजाडिराक्टिन्स, ये नीम के सीड और लीव से डिराइव किया गया है. निकोटीन, ये रूट्स के, टोबैको के रूट से डिराइव किया गया है. जो न्यू ग्रुप है, जो रिसेंटली डिस्कवर्ड ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनको न्यू निकोटिनॉइड्स कहते हैं. इसमें आता है इमिडाक्लोप्रिड या फिर उसका ट्रेड नेम है कन्फाइडर, थायोमिथॉक्सिम उसका ट्रेड नेम है एक्टरा, एसिडामेप्रिड प्राइड उसका ट्रेड नेम है. और सेकेंड ग्रुप है न्यू ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स का, कीटोइनोल्स.
इसमें आता है स्पाइरो टेट्रा मैट। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे ऑक्सीडाइजाइन ग्रुप जिसमें आते हैं डॉक्सा कार्प, इसका ट्रेड नेम एवॉन ट्रेनिंग, इसको आप कर लीजिएगा मेमोराइज, कभी कभी आ जाता है। फिनाइल पैराजोल जिसका ट्रेड जिसका एग्जाम्पल है फिप्रोनिल, इसका ट्रेड नेम है रीजेंट। और जो न्यू इंसेक्टिसाइड है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया गया है एबाम 18, उसका ट्रेड नेम है वर्टीमैक। स्पिनोसैड उसका ट्रेड नेम है ट्रेसर। अब इंसेक्टिसाइड जो है, कुछ इंसेक्टिसाइड वो एनिमल से भी ओरिजिनेटेड है, उसमें है लिरिस टॉक्सिन जो कि एक मेराइन एनालिस जिसका नाम है लिम्ब्रिनेडिस हेट्रोपोडा, उसे आइसोलेट किया गया है और इट वॉज आइसोलेटेड बाई नीटा इन 1934। और लिरिस टॉक्सिन का बहुत सारे सिंथेटिक डेरिवेटिव भी है, उसमें से एक है कारटाप हाइड्रोक्लोराइड। एनिमल्स सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड भी हैं जिसमें कोरल, रोनेल, रोडीन आते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है MRL यानी मैक्सिमम रेसिड्यूअल लिमिट। इसका डेफिनेशन है इट इज द ऑप्टिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड्स और इट्स डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। मतलब जो पेस्टिसाइड का जो लेफ्ट ओवर है जो हमारे लिए सेफ हो, अगर ये इट इज द ऑप्टिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड, हम जितना इनटेक कर सकते हैं और वो सेफ हो, उतना कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेफ हो हमारे अपटेक के लिए। और इसका यूनिट है वो है mg पर kg बॉडी वेट। अब कुछ प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हम देख लेते हैं। उससे पहले हम एक छोटा डेफिनेशन देखेंगे प्रो पेस्टिसाइड का। इट इज द पेस्टिसाइडली एक्टिव मटेरियल और कंपाउंड विच इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज इनएक्टिव। एक पेस्टिसाइडली एक्टिव मटेरियल और कंपाउंड जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में इनएक्टिव होता है, लेकिन वो एक्टिव में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है बाई प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो पहले इनएक्टिव होता है लेकिन उसको फिर एक्टिव किया जाता है बाई प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको कहते हैं प्रो पेस्टिसाइड्स। एग्जाम्पल है एसिफेट और कैटअप हाइड्रोक्लोराइड। अब प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स हम देख लेते हैं। पहले आता है डस्टर, फिर आता है स्प्रेयर। डस्टर में होना चाहिए एक फैन, इट कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ अ फैन और ब्लोअर और एक कंटेनर जिसको हम हॉपर कहते हैं। और इसका बेसिक प्रिंसिपल है टू प्रोड्यूस एयर ब्लास्ट। और इसकी एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी ऑफ डस्टिंग, ये 10 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ स्प्रेइंग। लेकिन जो एवरेज जॉब ऑफ स्प्रे है वो इक्विवेलेंट टू वेरी गुड डस्टिंग। अब स्प्रेयर, स्प्रेयर में कुछ स्प्रे टाइप्स ऑफ स्प्रे हम देखेंगे, उसके साइज देखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी 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 नहीं अक्सर एग्जाम में आ जाता है। जैसे कोआ स्प्रे, उसका साइज क्या है? कोआ स्प्रे का साइज है 400 माइक्रॉन्स, फाइन स्प्रे का साइज है 100 टू 400 माइक्रॉन्स, मिस्ट का साइज है 50 टू 150 माइक्रॉन्स, फॉग का साइज है 1 टू 50 माइक्रॉन्स, स्मोक का साइज है 0.001 टू 0.1 माइक्रॉन्स। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, कोआ स्प्रे का साइज है 400 माइक्रॉन्स, फाइन स्प्रे का है 100 टू 400 माइक्रॉन्स, मिस्ट का है 50 टू 150 माइक्रॉन्स, फॉग का है 1 टू 50 माइक्रॉन्स, स्मोक का है 0.001 टू 0.1 माइक्रॉन्स। इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। अब हम राइस और कॉटन का आईपीएम मॉड्यूल देखते हैं। राइस के आईपीएम मॉड्यूल में पेस्ट का लेवल है ETL, हिस्पा का ETL पेस्ट और ETL। राइस हिस्पा इसका ETL है 1 टू 2 एडल्ट्स पर हिल।
और BPH यानी ब्राउन प्लांट हॉपर, इसका ETL है 5-10 हॉपर पर हिल। इसका IPM मॉड्यूल क्या होगा, मतलब इसमें कौन IPM के सारे टैक्टिक्स को कैसे यूज करके इस राइस के पेस्ट को मैनेजमेंट करेंगे, उसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं। हिस्पा को मैनेज करना, ये कैसे पता चलेगा, अगर हमको 1-2 एडल्ट पर हिल दिख जाए या फिर BPH 5-10 हॉपर पर हिल दिख जाए तो हम क्या करेंगे। ऐसे टाइम पे हम एक्सेस नाइट्रोजन को यूज़ करना अवॉइड करेंगे, क्योंकि एक्सेस नाइट्रोजन यूज़ करने से BPH का पॉपुलेशन और लीफ फोल्डर का पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। तो हम अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग करेंगे जिससे BPH का पॉपुलेशन लूज हो, कम हो। क्लोज प्लांटिंग जो है वो BPH एपिडेमिक एरिया में अवॉइड करेंगे। रोप को क्रॉप के ऊपर पास करेंगे और वाटर जो एक्सेस वाटर्स को ड्रेन करेंगे वो केस वर्म को प्रिवेंट करता है। BPH को मॉनिटर करने के लिए लाइट ट्रैप प्लांट करेंगे, बस BPH को नहीं, ये ग्रीन लीफ ग्रीन प्लांट हॉपर और स्टेम बोरर को भी मॉनिटर करेगा। राइस की सीडलिंग टिप्स की क्लिपिंग करेंगे, इसे राइस थ्रिप्स, राइस हिस्पा और YSB यानी येलो स्टेम बोरर जो है वो कंट्रोल होगा। यूज ऑफ NSKE यानी नीम सीड कर्नाल एक्सट्रैक्ट, ये 50% यूज करेंगे। अब हम आते हैं, इस तरह हम इस सारे मेथड्स को यूज करके हम राइस के पेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कॉटन में। कॉटन में जो इम्पोर्टेंट पेस्ट है जैसे लीफ हॉपर, उसका ETL है, कैसे पता चलेगा कि हमको मैनेज करना है, अगर हमको लीफ हॉपर जो है वो 1-2 की संख्या में हर पत्ते पे दिखने लगे। वाइट फ्लाई 5-10 की संख्या में पत्तों पर दिखने लगे, या फिर वाइट फ्लाई का जो निम्फ है वो 20 की संख्या में पत्तों पर दिखने लगे। बॉल वर्म जो है वो 10% शूट और बॉल का अगर डैमेज हो गया है, मतलब बॉल वर्म प्रेजेंट है, बॉल वर्म कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। स्टेम वेविल 10% ऑफ इन्फेस्टेड प्लांट अगर है तो स्टेम वेविल प्रेजेंट है। स्पोरोप्टेरा 8 मास अगर प्रेजेंट है तो स्पोरोप्टेरा का इन्फेस्टेशन है हमारे क्रॉप में। तो हम क्या करेंगे, हम लाइट ट्रैप यूज करेंगे, इससे हॉपर, स्पोरोप्टेरा और बॉल वर्म कंट्रोल हो जाएगा। फेरोमोन ट्रैप यूज करेंगे, इसे मॉनिटर, फेरोमोन ट्रैप को हम मॉनिटर भी, इसे हम मॉनिटर भी करते हैं पेस्ट का पॉपुलेशन और डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। और कलेक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेस्टेड प्लांट पार्ट और इन्फेस्टेड बॉल तो कर ही देंगे, और कभी कभी नेचुरल एनिमीज यानी IPM का जो बायोलॉजिकल कंट्रोल का एस्पेक्ट है उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसमें नेचुरल एनिमी जो है कॉटन पेस्ट का वो है क्राइसोपल्ला कार्निया या फिर ट्राइकोग्रामा, ये यूज़ करके हम कॉटन पेस्ट को मैनेज कर देंगे।